हेलो स्टॉकियन, देखिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो होता है ऑप्शंस। अगर आपका इन द मनी हो जाए तो आपके साथ क्या होगा, ओके? यानी आपकी जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस थी वो इन द मनी हो जाए तो आपके साथ क्या होगा वो बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने कॉल दिया था HDFC लाइफ का, 650 का कॉल ऑप्शन मैंने दिया था, सॉरी 650 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन दिया था 7 पॉइंट समथिंग पे, ओके? तो उसको बाकी काफ़ी लोगों ने होल्ड किया, तो अभी वो जो चल रहा है वो 14 रुपीज़ चल रहा है, 14.45। तो अब चूंकि जब मैंने जिस टाइम पे ये कॉल दिया था उस टाइम पे जो इसकी स्ट्राइक जो स्पॉट प्राइस थी HDFC लाइफ की, स्पॉट प्राइस चल रही थी 655 प्लस, ओके? उस टाइम पे ये जो ऑप्शन था, स्ट्राइक प्राइस थी हमारी, वो थी OTM, ओके? जब मैंने कॉल दिया था उस टाइम पे थी स्ट्राइक प्राइस OTM, बट अभी स्ट्राइक ये मार्केट प्राइस नीचे गिर चुकी है उसकी, 640 चल रही है नियर अबाउट, ओके? तो अब ये हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो हो चुका है इन द मनी, ओके? क्लियर। हमारा जो पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस था वो हो चुका था इन द मनी। अब इन द मनी होने से दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो एक्सपायरी है जनवरी की, एक्सपायरी का लास्ट वीक चल रहा है, तो जब भी जनवरी एक्सपायरी में लास्ट वीक चालू हो जाता है तो एक्सचेंज आपसे जो आपने प्रीमियम दिया था, आपने 7 मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज जो भी प्रीमियम दिया था उसके अलावा भी आपसे चार्ज करता है प्रीमियम ग्रेजुअली। वो कैसे चार्ज करता है, फर्स्ट डे आपसे 25% मार्जिन चार्ज करता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, ओके? फिर सेकंड डे आपसे 50% एंड थर्ड डे आपसे 75% एंड फोर्थ डे आपसे 100% का मार्जिन चार्ज करता है एक्सचेंज। सो अगर लेट से कि 7 रुपीज़ में किसी ने बाई किया होगा, ओके? तो उसका अब लास्ट एक्सपायरी का लास्ट वीक चल रहा है, ओके? मतलब एक्सपायरी का लास्ट वीक चला है तो उनकी मार्जिन और ज़्यादा कटेगी। तो पहले से तो उनको ये डाउट हो सकता है कि यार मैंने ऑप्शन को बाई किया था तो मेरी ज़्यादा मार्जिन क्यों लग रही है, मुझे तो सिर्फ प्रीमियम देना था। तो ऐसा नहीं होता, सेबी का रूल है स्टॉक में, स्टॉक्स जो फ्यूचर ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स के ऑप्शंस कंपलसरी फिजिकल सेटलमेंट, ओके? तो एक्सचेंज आपसे, आपके ब्रोकर से मार्जिन डिमांड करता है और आपका जो ब्रोकर है आपसे मार्जिन चार्ज करता है, ओके? तो उस तरीके से आपका मार्जिन ज़्यादा लगेगा इस। और दूसरा, अगर आप मार्जिन नहीं आपके अकाउंट में होगा तो मार्जिन शॉर्टफॉल का पेनल्टी आ सकता है, ओके? और यहाँ पे लाइबिलिटी आपकी बनती है कि आपने चूंकि पुट ऑप्शन बाई किया है, दैट मीन्स यू हैव टू गिव डिलीवरी। अगर आपने पुट ऑप्शन बाई किया है तो आपकी लाइबिलिटी है कि आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, दैट मीन्स आपको सेल करना पड़ेगा, ओके? तो कंपलसरी सेटलमेंट आपने लेटेस्ट में ही जो हिंडालको वाला सोशल मीडिया पे केस देखा होगा उसी तरीके से ठीक है यहाँ पे। सो इससे बचने का रास्ता क्या है, इससे बचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप इसको क्विट कर जाओ, बिकॉज यहाँ पे देखो अभी लिक्विडिटी है। अगर मैं इसके ऊपर टिक करूँ सो यहाँ पे बायर्स भी सेलर्स भी 13.55 पे तैयार हैं एंड 13.30 पे तैयार है, तो यहाँ पे जो बिडास का डिफरेंस है सिर्फ 25 पैसे का है। तो यहाँ पे बायर एंड सेलर्स रेडी हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, तो आप चाहो तो क्विट कर जाओ, इसमें से एग्जिट कर जाओ, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, आप अपने अकाउंट में सफिशियंट मार्जिन रखो ताकि आप इसकी डिलीवरी दे सको। डिलीवरी दे नहीं सकोगे क्योंकि आपके पास वो स्टॉक है ही नहीं, तो अलग मार्जिन की पेनल्टी आएगी। सो बेटर ये है कि आप इसमें से निकल जाओ। इफ़ यू आर अ नॉर्मल ट्रेडर, आपने बाई कर रखा था, 100% का रिटर्न मिल रहा है, सो बेटर है कि आप इसमें से निकल जाओ। सो इस तरीके से जब भी आपके पास कोई कंडीशन आए, आपने कोई पुट ऑप्शन लिया हो या कॉल ऑप्शन लिया हो, लास्ट वीक चल रहा हो एक्सपायरी का, तो उस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान दें। और उस टाइम पर आप लोग देखिए कि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी तो नहीं हो गई है, ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्लियर कन्फ्यूजन हो इस सब ऑप्शंस रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है 9737554319। यूट्यूब पे स्टॉकिया का चैनल है, आप उसको जाकर के सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछिए। थैंक यू।